कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं खैरियत से हूँ और आप देख रहे हैं लाइव गड़की में सहरिश को। तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब। आज बहुत ही मज़े का टॉपिक जो है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहले आपको पता है मैंने शॉपिंग की थी तो मैंने आपको घर में ला के उसकी वीडियो बना के दिखाई थी कि मैं सस्ता ग्रोसरी सामान कहाँ से परचेज करती हूँ। आज मैंने सोचा आपको मैं वो मार्केट भी दिखा दूँ जहाँ से मैं ग्रोसरी सामान जो है वो परचेज करती हूँ। अच्छा तो सबसे पहले ये देखिए मेरे बालों का कलर जो कि मैंने कल किया था अभी तक वैसे का वैसे ही बिल्कुल भी टच से मस नहीं हुआ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए 2-in-1 शेड मैंने दिया था, यहाँ पे डबल शेड मैंने दिया है ग्रीन और रेड और बहुत ही मज़े का लग रहा है। ईद पे भी मैं इसी तरह करने वाली हूँ और इंशाल्लाह इसी तरह आपके साथ वीडियो बना के आपके सामने आऊँगी। अच्छा तो मैं बालों के बारे में बात नहीं कर रही थी, आज बालों के बारे में वीडियो नहीं थी। आज एक्चुअली था कि अच्छे काम का अच्छा नतीजा, ठीक है। मैं ये चाह रही हूँ कि एक्चुअली मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, किसी कंपनी को या किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। मैं वो चीज़ें आपको दिखाऊंगी आज जो मैं मार्केट से ख़रीदती हूँ और जो कम पैसों में आती है। मतलब एक अगर हम ऑयल लेते हैं तो डिफरेंट प्राइजेज़ हैं ऑयल की। अगर हम चीनी लेते हैं तो वो जो इन्होंने अपनी पैकिंग जो करके रखी होती है वो अलग से प्राइस होती है और जो सादा पैकेट को होता है वो बिल्कुल अलग से होता है, ठीक है। आज आपको बताऊंगी मैं किस तरह से कम पैसों में थोड़ा कम पैसों में ज़्यादा सामान किस तरह से लेती हूँ। थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गई, सॉरी। कम पैसों में मैं ज़्यादा सामान जो है वो किस तरह से परचेज कर लेती हूँ ये आज सारा आपको मार्केट के अंदर रह के मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को आज बिल्कुल भी पॉज नहीं करना, वीडियो को क्लोज नहीं करना, पुश नहीं करना, स्किप नहीं करना, कुछ भी आज आपने वीडियो को नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोशिश करूँगी छोटी वीडियो बन सके, लेकिन मैं इस वजह से ये वीडियो बना रही हूँ कि आपको कुछ इससे फ़ायदा हो। बेसिक मकसद मेरा ये है कि जो भी बंदे लॉकडाउन में हैं, परेशान हैं, मेरे हस्बैंड भी लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा परेशान है। वसाइल जो है वो बहुत ही ख़त्म ही हो गए हैं एक हिसाब से और मसले जो हैं वो माने ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से आज का टॉपिक जो है यही बताने के लिए आपको बनाने लगी हूँ ये वीडियो कि आप सस्ता ग्रोसरी सामान कहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो आज एक एक चीज़ की वीडियो बनाऊंगी, साथ साथ आपको बताऊंगी कि कम पैसों में आप किस तरह से बचत कर सकते हैं, कम पैसों में से इन पैसों में से पैसे बच भी जाएंगे और शॉपिंग भी हो जाएगी बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं, शायद पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। तो चलते हैं अपनी मार्केट की तरह। यहाँ मैं मार्केट आ चुकी हूँ, मार्केट के अंदर चल के वीडियो बनाते हैं आपके साथ। सबसे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जो है उसको ज़रूर पुश करें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आपको मिले। तो जी ये यहाँ पे हम आ गए हैं मार्केट और बाकी की वीडियो बनाएंगे मार्केट के अंदर जाके। तो चलते हैं मार्केट। तो ले जी हम आ गए हैं शॉपिंग सेंटर और यहाँ पे लास्ट में इंशाल्लाह ताला आपको और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लाजमी डालूंगी मार्केट का नाम और लास्ट में आपको मार्केट का नाम भी बताऊंगी। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। अच्छा ये देखिए, सबसे पहले तो अपने बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें जो भी आपने बच्चों की खाने की लेनी है, जैसे स्लांटीज है, लेज है, चिप्स है, कुछ भी है या बिस्किट वगैरह है, आप उसको कोशिश करें कि छोटी पैकिंग में लें, बड़ी पैकिंग में उनको ना लें, क्योंकि बच्चे जो है वो चीज़ को ज़ाया करते हैं। आप 30 वाली या 20 वाली या 50 वाली लेज लेते हैं तो बच्चे आपको आधी खाते हैं आधी ज़ाया करते हैं। आप कोशिश करें उसको 10 रुपीज़ वाली लें ताकि बच्चे जो भी चीज़ पकड़े वो पूरी ख़त्म करें और फिनिश कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं जा रही हूँ, जो जो चीज़ें मुझे घर के लिए ज़रूरत होगी मैं वो लूँगी। मेरे घर में थिक क्रीम जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, मैं अक्सर चीज़ों में यूज़ करती हूँ, ये मैं वहाँ पे परचेज कर चुकी हूँ। मैंने यहाँ मिल्क पैक के लिए है, यहाँ बहुत एक्सपेंसिव भी थी लेकिन मैं मिल्क पैक यूज़ करती हूँ, यही यूज़ करें, बहुत अच्छी क्रीम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जाऊंगी आपको बताऊंगी, यहाँ पे देखिए ऑयल वगैरह है या चीनी है वो हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे चीनी है, किसी भी मार्केट में जाएंगे ना तो उन्होंने अपनी पैकिंग वाली जो है वो अलग से रखी होगी और जो बिल्कुल एक सादा पैकेट होगा वो अलग से होगा। जो भी उनकी अपनी पैकिंग होगी उसके ऊपर कोई 15-20 रुपये ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो आपने जो लेनी है वो सिंपल पैकेट वाली लेनी है, ठीक है। आपने जो उनकी अपनी स्पेशल पैकिंग वाली होगी वो नहीं लेनी है। और कोशिश करें जो दाल वगैरह आप लें, ठीक है, दालें जितनी भी लें उनको घर आके साफ कर लें, इतना टाइम तो मिलता है इंसान को, उसमें भी बचत होती है कि 5-10-10-20 रुपये एक दाल के पीछे आपको 1 kg के पैकेट के पीछे आपको निकल जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें आप उतना लें। बच्चों की कोई चीज़ लेने लगे हैं, जैसे कि मैं यहाँ से ये देखें नीडो बुनियाद मेरे बच्चे पीते हैं, मैं ये ले रही हूँ तो मुझे ये पैकेट में लेने हैं, मुझे ये बॉक्स में नहीं लेने हैं।
अगर आप डिब्बे में लेंगे तो उसमें 10-15 रुपीज़ ज़्यादा होंगे। आप घर आए किसी बॉक्स में साफ करके उसको डाल के अपने बच्चों को दे सकते हैं। ये होती है छोटी छोटी बचत। छोटी छोटी बचत से बड़ा फ़ायदा हो जाता है इंसान को। यहाँ जो है चीज़ें जितनी भी परचेज़ करूँगी उसके ऊपर कम से कम 3-4 हज़ार रुपये जो मुझे वो बच जाएंगे नॉर्मल मुझे मार्केट से शॉपिंग करते वक्त, और यहाँ से शॉपिंग करते में इतना फ़ायदा होगा। उसके बाद जो भी मतलब जितने भी ब्रांड्स के हैं, बच्चों को पाउडर लगाना है तो आप बच्चों के ब्रांड में कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जॉनसन्स लें। मैं यहाँ पे दूसरा ब्रांड यूज़ करती हूँ, वो पाउडर थोड़ा कम प्राइस में होता है। जॉनसन्स जो है अब वो 500 तक पहुँच गया है। ये जो मैं पाउडर लेती हूँ ये 395 का समथिंग मिलता है, ठीक है। आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, आप मदर केयर भी यूज़ करते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जॉनसन्स के अलावा जॉनसन्स बहुत ज़्यादा अप है। पिजन और जॉनसन्स जो है उसकी जो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा गई हुई है, उसकी एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा प्राइस है। तो आपने बच्चों को पाउडर यूज़ करना है तो आप कोई भी बेबी प्रोडक्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाऊंगी, ये देखो ये मेरे बच्चे जी टैंक पीते हैं, ये भी मैं बोतल में नहीं लूँगी, बोतल वाला एक्सपेंसिव पड़ जाता है, पैकेट में लूँगी, पैकेट वाला सही रहता है। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए ऑयल आपको दिखा रही हूँ, सूफी और डाल्टा दोनों ऑलिव ऑयल है, एक 500 ग्राम है और एक 100 ग्राम है। जो 500 वाला है वो सूफी में है और उसकी प्राइस है 8 समथिंग, और जो मैं लेती हूँ जो डालता में है वो 800 समथिंग है। जो मैं नहीं लेती, पहले मैं वो लेती थी, अब मुझे सही समझ आई है तो मैंने अब वो छोड़ दिया है, मैं सूफी में लेती हूँ। वो 800 का है और उसमें 1000 ग्राम शायद है, उसमें मिलीलीटर सॉरी। तो आप जो है वो सूफी में लें, आप डाल्टा में ना लें, दोनों की क्वालिटी सेम है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको दूसरा ऑयल दिखाया है। हम लोग आजकल जैसे कि रमज़ान है तो हम फ्राइंग करते हैं चीज़ों को, तो हम लोग डाल्टा सूफी जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, आप कोशिश करें जो लो क्वालिटी का है, जैसे मिज़ान है, हांडी है, इस तरह 3-4 और भी है ब्रांड, आप वो वाला जो है वो कंपनी का ऑयल यूज़ करें फ्राइंग के लिए, ठीक है। बाकी आप सब्जी वगैरह जिसमें बनाते हैं उसी में बनाते रहें। लेकिन आज का जैसे कि रमज़ान है तो रमज़ान में खुली बचत है ये कि आप जो हांडी वाला ऑयल है, हांडी ऑयल एक नाम है उसका, ठीक है, एक मिज़ान है, एक दो और है वो शान है, ये जो है वो ये अब यहाँ पे मैंने मिज़ान लिया है, ये 222 का मुझे मिला है, ठीक है। तो जो अगर मैं जहाँ सूफी लेती हूँ तो वो 300 समथिंग में पर केजी मिलता है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे मैं टिश्यू बॉक्स लूँगी। टिश्यू बॉक्स भी आपको पता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, 300-200 समथिंग में। यहाँ पे जो मैं टिश्यू बॉक्स लूँगी, साथ में आपको इसकी प्राइस बताऊँगी कि उसकी प्राइस क्या है, साथ साथ मैं आपको प्राइस जो है वो बताई जा रही हूँ। ये देखिए ये 225 का टिश्यू बॉक्स है, ये 150 का है और ये 120 का है, ठीक है। मैं ये 120 वाले यहाँ पे दो पैकिंग लेने लगी हूँ, यूज़ तो करने टिश्यू ही है ना, ठीक है। आप बॉक्स को मत देखें, आपने अपने घर की बचत करनी है। जैसे कि आजकल हालात हैं, आपने बचत लाजमी करनी है। ये कंफर्ट लेने आई हूँ, बॉटल देखें 565 में, और यहाँ पे जो है ये पैकिंग में है, पैकेट पड़ा हुआ है इसका, और ये 135 में है। मेरे घर में यही जाता है, मैं जाके बोतल में डाल लेती हूँ। यहाँ पे ये कुछ लेडीज़ प्रोडक्ट है, मैं ये वाला नहीं यूज़ करती हूँ, मैं इसका वैल्यू पैक यूज़ करूँगी, वो कंफर्ट रह जाता है और उसकी प्राइस भी अच्छी है। ये 175 का एक मिलता है और ये वैल्यू पैक जो है ये 3 समथिंग का है, ये मुझे ये सही रह जाता है। उसके अलावा ये देखें यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं जो मुझे घर की ज़रूरत होगी मैं वो लूँगी, क्योंकि आपके साथ। और ये देखें यहाँ पे लेमन मैक्स है, मैं ये वाला यूज़ कर ही करती, ना मैं लॉन्ग बार यूज़ करती हूँ, ना मैं मैक्स यूज़ करती हूँ, ना मैं विम यूज़ करती हूँ। यहाँ पे ये बोतल वाला डिब्बे वाला है, आजकल आपको पता है की जिम्मेदारी जो है वो काम वालियों पे फेंकी होती है, तो इस वजह से काम वालियों को जब भी आपने देना है या खुद भी यूज़ करना है तो आप कोशिश करें कि आप बॉक्स वाला रहें, क्योंकि उसके वो जल्दी मेल्ट नहीं होता और ख़राब नहीं होता। तो लेडी यहाँ पे हम लोग शॉपिंग कर चुके हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, आज भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो शॉपिंग मैं कर चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ घर। और आपको मैंने दिखाई आज साड़ी, मैंने आपको बताई है कि किस तरह हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें भी होती हैं, ये सभी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। जो भी ब्रांड है, जो भी कंपनीज हैं, सब अच्छी हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं, जितनी भी चीज़ें हैं सबकी सब अच्छी होती हैं, सभी कंपनीज अच्छी होती हैं। बस हम लोगों को दिमाग में होता है कि हम लोग जो है वो महंगी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं तो वो अच्छी चीज़ है। मैं यही चीज़ें परचेज़ करती हूँ, मेरे घर में यही चीज़ें यूज़ होती हैं और ये बहुत रीज़नेबल है, बहुत अच्छी प्राइस में मुझे मिल जाती हैं। यहाँ पे माशाल्लाह से कितना सामान मैंने अपने घर का ले लिया और मुझे बहुत ही अच्छी प्राइस में मिली है। आप भी यहाँ से कर सकते हो शॉपिंग। मैंने ये शॉपिंग की है यूटिलिटी स्टोर से, ठीक है। यूटिलिटी स्टोर जो है वो बेस्ट स्टोर है सभी स्टोरों में से। पहले मैं यहाँ से नहीं करती थी,
फतेह चले गए, रहीम स्टोर चले गए, मैक्रो चले गए और तो यहाँ पे मैं घर की तरफ चली गई हूँ। ठीक है, अब मैं घर जा रही हूँ। मैंने आपको आज सारी चीज़ें बताई हूँ जो जो मैंने ली है। ये मैंने सारा सामान जो है यूटिलिटी स्टोर से लिया है। जितना मर्जी हाथ खुला हो जाए, जितना मर्जी कारोबार अच्छा हो जाए, जब भी आपने सामान की शॉपिंग करनी है, आप कोशिश करें ग्रोसरी सामान आपने जब भी खरीदना है यूटिलिटी स्टोर से करें। मैं यहाँ किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करती हूँ, किसी स्टोर को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ आपको सिर्फ एक अच्छी बात बता रही हूँ। मेरी हर वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि मैं आपको एक अच्छी मैसेज जो है वो अच्छा मैसेज आप तक पहुंचा सकूं। यहां मैंने अच्छा मैसेज आप तक पहुंचाया है। मुझे दुआ में याद रखा करें। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखा करें। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।